और इन्होंने जो नाम मेरा रखा है वो गोपाल दास रखा है। ये कौन थे आपके? इन्हें मैं गुरु मानता, हालांकि मुझे संस्कार ना मिला अभी, गुरु का दर्जा देता था मैं। अच्छा, इनका कोई पहले मणिपुर रहने को लेकर कोई विवाद चल रहा था क्या? जी नहीं, मेरे सामने कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। आपका इनका साथ कब हुआ? मेरा मत 15 दिन हुए हैं केवल। इससे पहले आप किसके शिष्य थे, कहाँ रहते थे आप? इससे पहले मैं रहता था बरखेड़ा सर। शाहबाद थाना क्षेत्र में एक साधु की रास्ते में डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, गला काट कर हत्या करी गई है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है पुलिस के द्वारा संपन्न की जा रही है। अभी तक जो पता लगा है, बाबा एक छोटी कुटिया पर रहते थे, वहाँ से दूसरी जगह दियाबत्ती करने जाते थे और बाबा के विषय में लोगों ने बताया कि थोड़ा सा शराब इत्यादि पी के, नशा इत्यादि करके वो घूमते रहते थे। तो कई तथ्य हैं, पुलिस सारे तथ्यों को जांच। सर, ऐसा नहीं लगता कि शायद वो लोग, जैसे चर्चा है कि यहाँ पे लाके फेंकी गई हो या कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, लाके फेंकी नहीं गई है, क्योंकि यहीं पर घटनास्थल पर ही संघर्ष के निशान भी हैं। जिस तरीके से घटनास्थल है उसके अनुसार कोई नॉन पर्सन है, जानकार व्यक्ति है जिसने ये घटना करी। सर, बाबा का कोई विवाद चल रहा था बताया जा रहा है, कोई विवाद हुआ था पिछले दिनों में? हाँ, पिछले दिनों ये तथ्य निकल के आ रहा है कि कुटी पर रहने को लेके विवाद हुआ था। तो ये सारे तथ्यों को पुलिस जांच कर रही है, जो भी कुछ होगा उस शीघ्र ही घटना का निवारण किया।